हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सृष्टिज हेल्दी व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो मेला पर होने वाला है। मेला मतलब कि हम सब कोई जा रहे हैं मेला घूमने, और मेला का नाम सुनते ही कितना एक्साइटमेंट आ जाता है मन में। जब हम लोग छोटे छोटे थे तो हमेशा जब भी मेला लगता था तो हम लोग मन में कितना एक्साइटमेंट आ जाता था कि हम लोग मेला जाएंगे, कुछ कुछ खाएंगे, कुछ खरीदेंगे। पर अब धीरे धीरे मेला बहुत कम ही लगता है, लेकिन आज भी एक्साइटमेंट उतना ही है। और यहाँ पर लगा है मेला और हम लोग जा रहे हैं मेला घूमने। तो आप लोग भी चलिए हम लोग के साथ मेला घूमने, और हम आज दिखाएंगे कि हमारे यहाँ मेला में क्या क्या लगता है, क्या क्या बिकता है, क्या आज हम लोग खाएँगे, क्या खरीदेंगे। तो चलिए चलते हैं मेला घूमने। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं यहाँ मेला में। ये देख सकते हैं मेला लगा है, तो चलिए चलते हैं अंदर। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग आ चुके हैं मेला में, और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। और ये गणेश भगवान सबसे फ्रंट पे रखे हुए थे, और यहाँ पर सारा लकड़ी का सामान बिक रहा था, बहुत ही प्यारा प्यारा था। ये देखिए छोटा सा जो कॉर्ड दिख रहा है, बहुत प्यारा लग रहा था। पर ये होता है ना कि मेला में जो सामान जो रहता है वो बहुत ही कॉस्टली रहता है, तो बहुत सोच समझ कर इंसान लेता है। सब बहुत प्यारा प्यारा चीज़ था। ये देखिए लोग ले भी रहे थे बहुत कुछ चीज़, इसमें बहुत सारा ऐसा चीज़ था जिसका यूज़ हो सकता है। और यहाँ पर साड़ी का सेल लगा था, अच्छी अच्छी साड़ियाँ थी। और ये मेरे भैया और ओशू, और ये मेरे हस्बैंड, हम लोग सब कोई घूमने आए थे, अच्छा लग रहा था। और ये देखिए कितना प्यारा प्यारा क्लॉक है, सब लकड़ी का बना हुआ है, बहुत प्यारा लग रहा था, पर बहुत कॉस्टली था, देखने में अच्छा लग रहा था। और ये है लेडीज सेक्शन, जहाँ पर सिर्फ आपको लेडीज़ ही नज़र आएंगी। यहाँ ईयर रिंग्स अच्छे अच्छे थे, ये देखिए कितना प्यारा प्यारा ईयर रिंग है, ये चेन, ये बैंगल्स, अच्छे अच्छे सामान थे। ये लेडीज़ ले रही हैं सब बैंगल्स, लेडीज़ का फेवरेट सेक्शन होता है कहीं पर भी। और फ्रेंड्स, यहाँ मेला में फर्नीचर भी बिक रहा था, अच्छा अच्छा था, काफ़ी अच्छा फर्नीचर था, सोफ़ा सेट था। और यहाँ पर अचार भी बिक रहा था, कई तरह का अचार था। ये है करेले का अचार, ये नींबू का अचार, ये कटहल का अचार, ये आमड़े का अचार, और भी कई तरह के अचार थे। इतना तो मुझे भी नहीं पता था कि किस किस चीज़ का अचार है। और ये इधर साइड, ये जो जब हम लोग छोटे थे तो इसको हवा हवाई मिठाई कहते थे, और हम लोग छोटे तो बहुत खाते थे इसको, हवा हवाई मिठाई को। और इधर साइड में पॉपकॉर्न भी बिक रहा था। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लकड़ी का भी जो फर्नीचर है, ये ओशू पॉपकॉर्न लेकर दिखा रही है आप सबको। ये लकड़ी का देखिए कॉर्नर टेबल टाइप का, इस पर आप कुछ भी सामान रख के एज अ डेकोरेटिव इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये लकड़ी का डाइनिंग टेबल बहुत ही प्यारा प्यारा था, बहुत अच्छा लग रहा था। ये लकड़ी का चेयर है, और जितने भी कस्टमर आ रहे थे सब इसका कॉस्ट पूछिए और चले जा रहे थे, क्योंकि इतना ज़्यादा कॉस्टली था सब कि कोई ले ही नहीं रहा था। ये देखिए ये भी एक डाइनिंग टेबल है, बहुत ही प्यारा सा था। और वहाँ पर साइड में भी एक डाइनिंग टेबल था, वो भी अच्छा लग रहा था। हम लोग बस उसको देख रहे थे सारी चीज़ों को कि कैसा है। और ये ओशू एक चेयर पे बैठी है, उसको अच्छा लग रहा है, छोटा सा चेयर था बच्चों के लिए ही, दो चेयर का सेट था और एक टेबल था इसमें छोटा सा। और ये बोल रही कि ये चेयर बुबू का है और वो बगल वाला चेयर पापा का है, बहुत अच्छा अच्छा सामान था।
और ये किड्स सेक्शन यहाँ पर किड्स के लिए बना था। ये देखिए बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं। ये ट्रेन था और फाइनली ये हम लोग पर्स के साइड में आ गए जहाँ पर ढेर सारा बैग और पर्स लगा हुआ था। अच्छा अच्छा था। मैं सबका कॉस्ट पूछ रही थी कितने का है कितने का है। ये देखिए कितना अच्छा अच्छा बैग भी है। तो भैया बहुत कॉस्ट बता रहे थे सारे बैग का। मैं बस ऐसे घूम घूम कर देख रही थी कि कैसा कैसा सामान है। ये ओशू भी इधर उधर देख रही थी। लोगों को इतनी भीड़ थी वहाँ पर। ये देखिए ये सैंडल का सेक्शन, यहाँ पर बहुत अच्छा अच्छा सैंडल जूती भी था और लेने वाले ले भी रहे थे। ये देखिए कितना सारा कलेक्शन है। अच्छा अच्छा था। उसमें से एक ये वाला सैंडल जो ये अच्छा लग रहा था, थोड़ा पहनने पे अच्छा लगता। और ये रहा कुर्ती का सेक्शन, यहाँ पर ढेर सारा कुर्ती भी था और सलवार था, कई तरह का इसमें वैरायटी था कपड़े में। ये सभी 150 में दे रहे थे सर। अच्छा था, कपड़ा का क्वालिटी भी ठीक था। किसी किसी का ठीक नहीं था, किसी किसी का ठीक था। सब कुर्ती है। ये देखिए और ये बच्चों के खिलौने की दुकान, यहाँ पर ढेर सारा खिलौना रखा हुआ था कई तरह का। और ये सब रबर बैंड वगैरह इस टाइप का, हेयर बैंड, ये सब रखा हुआ था, यहाँ बिक रहा था। कई तरह का चीज़ था इसमें। और ये मेरे हस्बैंड दिखा रहे हैं बम्पर सेल 10 रुपीज़ फिक्स्ड रेट। ये बंद हो गया, ये यहाँ पर दबाने से बंद होता है। इसको ऐसे इंजेक्शन की तरह ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएगा और यहाँ दबाएंगे तो ये बंद हो जाएगा। नया तरीके का इंजेक्शन मॉडल। ये इंजेक्शन मॉडल का पेन था और यहाँ पर ढेर सारा वैरायटी का रबर बैंड भी था। देखिए बॉक्सिंग करने वाला की रिंग। और यहाँ पर क्रॉकरी सेक्शन था, पर क्रॉकरी का सारा सामान रखा हुआ था। कप है, ग्लास है, ट्रे था, प्लेट्स वगैरह, कटोरी। बहुत अच्छे से इन लोग डेकोरेट करके रखे थे, अच्छे से सजा कर रखे थे सारे कप को। अच्छा लग रहा था सब सामान, रंग बिरंगा अच्छा लग रहा था। इसमें 10 रुपये का एक कप दे रहे थे। और काफ़ी सारा सामान था क्रॉकरी में भी, काफ़ी सारा वैरायटी था। और ये स्टैंड वगैरह प्लास्टिक का था सब। काफ़ी मज़ा भी आ रहा था। और फ्रेंड्स यहाँ पर सॉफ्ट टॉयज़ रखा हुआ था ढेर सारा। और यहाँ पर कालीन भी था, बिक रहा था। कालीन था, पौदान था, कई तरह का पौदान था। ये देखिए कितना सुंदर सुंदर पौदान है।
तो फ्रेंड्स इधर जितनी साड़ियाँ थी ये 500 में दो साड़ियाँ बिक रही थी, इधर 700 में दो साड़ी और उधर साइड किनारे जो है वो 1500 में दो साड़ी थी। बहुत सारी लेडीज़ ढेर ढेर सारी साड़ियाँ ले जा रही थी। ये देखिए इधर 700 में दो दो साड़ी और इधर का जो सेक्शन था ये 500 में दो दो साड़ी। अच्छी अच्छी साड़ियाँ थी। तो फ्रेंड्स ये अब हम लोग आ गए हैं गोलगप्पे के ठेले पर और बहुत ही यम्मी गोलगप्पा बनाया था इस बच्चे ने। तो फ्रेंड्स लीजिए आप लोग भी गोलगप्पा खा लीजिए, बहुत ही यम्मी गोलगप्पा है। तो फ्रेंड्स हम लोग मेला घूमकर आ चुके हैं और हम लोगों ने काफ़ी सामान भी लिया और मज़ा आया। मेला घूमने में बहुत भीड़ भी था। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग यहीं तक, और हम लोगों ने क्या क्या सामान लिया है तो उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि हम लोग क्या क्या लिए, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर इस वीडियो में वो सब चीज़ दिखाने लगे तो। तो हम लोगों ने मेले में क्या क्या लिया वो उसको हम अगले वीडियो में दिखाएंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर ले। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।